बदरवास पटवारी संघ ईश्वर के शरण में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम गुडाल सरकार को सौंपा ज्ञापन। शिवपुरी जिले के बदरवास में पटवारी संघ कुछ अलग ही अंदाज में दिए मध्य प्रदेश में लंबे समय से चल रही पटवारी की कलमबंद हड़ताल को लेकर आज बदरवास पटवारी संघ अधिकारियों और नेताओं के पास नहीं, बल्कि आज बदरवास पटवारी संघ ने ईश्वर की शरण जाना उचित समझा। बदरवास पटवारी संघ ने बदरवास से कुछ दूर गुड़हाल धाम सरकार पर जाकर सुंदरकांड करवाकर भगवान बालाजी महाराज को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पटवारी संघ की कई सारी मांग सम्मिलित है और उनकी मुख्य मांग ये है कि मध्य प्रदेश में पटवारी को 2800 पे ग्रेड दिया जाना चाहिए, लेकिन वह पटवारी को नहीं मिल रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में बड़े लंबे समय से कलमबंद हड़ताल चल रही है। पटवारी संघ ने आज दोपहर से महाराज के चरणों में सुंदरकांड का आयोजन कराया, जिसमें बदरवास की समस्त पटवारी उपस्थित रहे और सभी पटवारी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम बालाजी महाराज को ज्ञापन सौंपकर उनकी मांगों को जल्द से जल्द अमल में लिया जाए, इस प्रकार की प्रार्थना की। इस समय उपस्थित पटवारी सुनील राजावत, अध्यक्ष प्रहलाद परिहार, महेंद्र लोधी, विष्णु भार्गव आदि कई लोग उपस्थित रहे। सुंदरकांड का आयोजन किया गया तो और ज्ञापन दिया, आपकी मुख्य मांग और उद्देश्य क्या था इसका? हमारी मुख्य मांग वेतन विसंगति को दूर करना 2100 ग्रेड पे से 2800 ग्रेड पे कराने का है। 25 वर्षों से हमारी ग्रेड पे बढ़ाने की जो मांग लंबित है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी तक नहीं बढ़ाई गई है और सारे विभागों की ग्रेड पे बढ़ चुकी है। कब तक चलती रहेंगी ये मांगे? हड़ताल कब तक रहेगी? अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अभी तक शासन की तरफ से कोई वो आया क्या आपके पास प्रपोजल? की तरफ से कोई संकेत नहीं आए, न सकारात्मक, न ही शासन का कोई प्रतिनिधि हमसे मुलाकात करने आया अभी तक।